हेलो एवरीवन, आई एम इतिशा देवनाथ। आज हम क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है कोलम इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक फ्रेंच साइंटिस्ट सन 1785 में, जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन दी कोलम, उन्होंने एक लॉ हमें दिया। उस लॉ का नाम है कोलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्जेस है उनके बीच के अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसी को स्टडी किया गया, जिसे कि कोलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ नाम दिया गया। इस लॉ का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब इस स्टेटमेंट में देखिए एक वर्ड आया है, पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज वो चार्ज होता है जब हम लोग दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, उस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली उस चार्ज का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, उस चार्ज को हम लोग कहते हैं पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज को जब हम दो पॉइंट चार्ज लेंगे और उनके बीच के जो उनके चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट उनके बीच में लगने वाले फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला कुछ इस तरीके का बन जाता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q2 चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन है और R उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं। यहाँ जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म यूज़ किया जाता है, उसको हमने नाम दिया K। इस K को कूलम कांस्टेंट भी कहा जाता है। इस फॉर्मूले को हम डिराइव कैसे कर सकते हैं उसे देखिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2 और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, दैट इज़ आर। यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 और जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए F प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। दोनों ही फोर्स के इक्वेशन है तो आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, देन वी कैन गेट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज़ K। हमने यहाँ पर K यूज़ किया। इस K को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट भी कहा जाता है। ये जो आपके पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला मिला है, ये आपको कहीं ना कहीं एक ग्रेविटेशनल फार्मूला जो न्यूटन ने दिया था उससे काफ़ी मिलता जुलता है। इस फॉर्मूले में हम लोगों ने दो बॉडी के मासेस को लिया था, मासेस का प्रोडक्ट, और इस वाले फॉर्मूले में हम लोग दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेंगे। नाउ अब देखिए, जो के कांस्टेंट है, ये के कांस्टेंट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? ये बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट और दूसरा दोनों चार्ज के बीच का जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। इस के की एक फिक्स वैल्यू, एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ 1/4π ε₀, दैट इज़ ε₀। यहाँ पे ये एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, ε₀, या इसे एप्सिलॉन नॉट भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, एप्सिलॉन ज़ीरो है क्या? एप्सिलॉन ज़ीरो को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को आप एयर भी यूज़ कर सकते हैं और यही नोटेशन आप वैक्यूम के लिए भी एप्लीकेबल होता है। अब ये परमिटिविटी है क्या? परमिटिविटी एक्चुअली वो मीडियम है जिसमें हम लोग चार्ज को यूज़ करते हैं, तो जिस चार्ज का इफ़ेक्ट उस मीडियम में जिस तरीके से पड़ता है उस इफ़ेक्ट को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जब इस एप्सिलॉन ज़ीरो की वैल्यू को हम इस के की फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देन वी गेट 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फाइनली इस के की वैल्यू को आप यहाँ इसके स्टैंडर्ड फार्मूले में रखिए तो आपके पास ये इक्वेशन यूज़ ये आपको मिल जाएगा,
दैट इज एफ इक्वल्स टू 9 × 10⁻¹⁹ q1 q2 / r². तो फाइनली हमें ये जो फॉर्मूला मिला है ये कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का बेसिक या स्टैंडर्ड फार्मूला है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग इस फॉर्मूले का काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके केसेस को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।